नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि आज सुबह सुबह शहर के अति व्यस्ततम मार्ग ललितपुर झांसी मार्ग स्थित बयाना नाले पर सवारियों से भरी एक बस का टायर बस बस्ट होने की वजह से बस असंतुलित होकर पुल की दीवार तोड़ती हुई नीचे नाली में गिरने से बाल बाल बच गई, अन्यथा आज एक बड़ा हादसा हो सकता था। जैसे की जानकारी के अनुसार इंदौर से चलकर आ रही एक यात्री बस ने बयाना नाले पर पैदल चले जा रहे एक 60 वर्षीय शख्स गुलाब सिंह निवासी हीरापुर थाना जखौरा का रहने वाला था, जो पास की ही एक बजरी की टाल पर चौकीदारी का कार्य करता है। वह पैदल चला जा रहा था कि अचानक पीछे से आ रही बस ने उसको टक्कर मार दी, जिससे उसका पैर कटकर अलग हो गया है। तो वहीं इंदौर से आ रही बस अचानक असंतुलित होकर नाले की दीवार तोड़ती हुई नाले में गिरने से बाल बाल बच गई। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को जिला चिकित्सालय भिजवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी हालत देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर का कर दिया है। Thank you.